वहीं नेपाल को भी एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की बाबा बागेश्वर नसीहत देते हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेपाल में पहले से ही पुरानी राजशाही का दौर लौटाने की बातें हो रही हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सुर तेजी से सुनाई दे रहे हैं। वहीं पिछले कुछ वक्त से देखें तो नेपाल में हिंदू मुस्लिम टेंशन भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। इससे पहले पिछले साल रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ था, वहीं पिछले साल अक्टूबर में नेपाल के नेपालगंज इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। वहीं इसी साल फरवरी में बीरगंज इलाके में हिंदू मुस्लिम समुदाय की सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी। हिंदू बहुल आबादी वाले नेपाल में मुस्लिम आबादी 5% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू मुस्लिम तनाव नेपाल में आम होने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ बढ़ी है और उनकी आबादी भी। भारत ने अपनी सीमा पर सख्ती बढ़ाई है तो म्यांमार और बांग्लादेश से भाग रहे रोहिंग्याओं ने नेपाल को ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि एक नेटवर्क सा बन गया, एक रूट बन गया है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसके चलते बांग्लादेश के कुछ ब्रोकर रोहिंग्या से पैसा लेते और उन्हें बोलते आपको नेपाल काठमांडू भेज देंगे और काठमांडू से आपको अमेरिका रिफ्यूज मिल जाएगा। तो इस तरह के लुभावने पिक्चर्स दिखा करके रोहिंग्या रिफ्यूजीज को नेपाल लाया भी जा रहा है। नेपाल के कुछ तबकों में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बहुत से रोहिंग्या सरकारी अधिकारियों की नजर से बचने के लिए नेपाल के विभिन्न हिस्सों, खासतौर पर तराई के इलाके में रहने वाले मुसलमानों के बीच घुल मिल गए हैं। नेपाल के कई सुरक्षा एक्सपर्ट इस बात को लेकर चिंता जता चुके हैं कि रोहिंग्याओं की बढ़ती हुई घुसपैठ नेपाल का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना गड़बड़ा सकती है। अब नेपाल की बदलती डेमोग्राफी के जरिए वहां के ताजा माहौल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नेपाल के जिन इलाकों में हिंसा की ये घटनाएं बढ़ रही हैं, वो नेपाल के तराई का हिस्सा है जो पूरी तरह से भारत की सीमा से सटा है। नेपाल के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 17% हिस्सा तराई वाला हिस्सा है। 2021 की जनगणना के हिसाब से नेपाल की 54% आबादी इसी तराई वाले इलाके में रहती है। नेपाल के तराई में जनसंख्या तब बढ़ रही है जब नेपाल की जनसंख्या की वृद्धि दर दुनिया के औसत से लगातार कम चल रही है। आबादी के बहुमत के बावजूद नेपाल का तराई इलाका राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक है, जो मधेशी अधिकार विवाद की एक बड़ी वजह भी रही है। लेकिन अब विवाद का ये मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसे रोहिंग्या इफेक्ट भी माना जा रहा है। नेपाल का तराई का इलाका भारत की सीमा से लगा हुआ है। जो सुनसरी का इलाका फिलहाल हिंदू मुस्लिम विवाद का हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसके कम्युनल टेंशन का असर भारत में आम चुनावों पर भी जा सकता है। खासतौर पर सीमांचल की लोकसभा सीटें इसकी जद में आ सकती हैं। आबादी की नजर से देखें तो किशनगंज के इलाके में सिर्फ 31% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी 68% है। वहीं अररिया में 57% हिंदू आबादी है और 42% मुस्लिम आबादी। बिहार की इन दोनों सीटों पर दूसरे और तीसरे फेज में लोकसभा का चुनाव होना है। सीमांचल की सभी सीटों पर मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। 2019 में सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर जेडीयू और 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो साफ नजर आता है कि सीमांचल के इलाके में ही AIMIM ने 24 में से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जिनमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई सीमावर्ती इलाके और वहां की सीटें शामिल हैं। हिंदू मुस्लिम हिंसा या इन घटनाओं का असर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भारत की जो बॉर्डर एरियाज हैं नेपाल के साथ, खासकर बिहार के, उत्तर प्रदेश के, यहां पर लोकसभा इलेक्शंस में कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इन इलाकों में खबरें आसपास की बहुत जल्दी फैलती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं आपस में, भारत और नेपाल के बीच में आना जाना लगा रहता है और इस तरह की खबरें बड़ी जल्दी फैलती और उड़ती हैं। तो इनका असर कुछ हद तक निश्चित रूप से भारत की लोकसभा इलेक्शंस, खास करके कुछ सीटों पर तो पड़ता दिखता है। चुनावी एंगल के साथ साथ नेपाल का घटनाक्रम भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी बेहद अहम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में फिलहाल राजशाही की मांग तेज हो रही है। हालांकि भारत नेपाल में लोकतंत्र का हिमायती रहा है और मुसीबत के समय एक भरोसेमंद साथी के तौर पर उसके साथ भी खड़ा रहा है।
लेकिन बीते कुछ सालों से नेपाल की सत्ता में काबिज लेफ्ट के गुट चीन की तरफ सॉफ्ट रहे हैं और गाहे बगाहे भारत के साथ तनातनी के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। नेपाल ने नक्शा जारी कर भारत के इलाकों को अपना बताया, काला पानी लिपुलेख के मामले को लेकर सीमा का विवाद बढ़ाया, भारत पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया। भगवान राम की जन्मभूमि नेपाल में बताई गई। नेपाल में एंटी इंडिया प्रदर्शन का भी सिलसिला देखने को मिला। बावजूद इसके भारत और नेपाल के रिश्ते करीबी हैं और साझेदारी मजबूत है। हालांकि एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर भारत की उम्मीद होगी कि नेपाल अपने घर में ऐसे घुसपैठियों को जगह न दे जो उसके लिए भी मुसीबत बनते हैं और भारत के लिए भी परेशानी का कारण बने। इसी में नेपाल का हित है और इसी में हमारे देश का भी हित है। Z News.